माई चैनल क्लैम में तुझाला। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेजन हॉल। एंड अमेजन से मैंने लिया है ढेर सारी ज्वेलरीज जो कि बहुत ही अफोर्डेबल एंड काफ़ी अच्छी और काफ़ी न्यू सी ज्वेलरीज थी अमेजन पे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसीलिए मैंने इस हॉल में सबको इंक्लूड किया है। मैंने ना अमेजन से बहुत टाइम से ना ज्वेलरीज को विशलिस्ट कर रखा था, मैं ले नहीं पा रही थी, बट लास्ट टाइम मैंने जो अमेजन ज्वेलरी हॉल किया था ना, मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले एंड बहुत सारे लोगों की क्वेरीज भी आई थी, क्योंकि बहुत सारी जो ज्वेलरी पीसेस थी ना उनमें वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। तो लोगों का कहना था कि दी आप ना फिर से ज्वेलरी हॉल लेकर आओ, क्योंकि हमें अमेजन की ज्वेलरी हॉल काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इस बार मैंने फिर से एक थोड़ी सी ना रिजनेबल प्राइस में मैंने ट्राई किया है अच्छी अच्छी ज्वेलरीज पिक करने की। तो सारी ही ज्वेलरीज जो है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड जो भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ना इस वीडियो में, वो सारे की लिंक आपको नीचे माई हॉल स्टोर की लिंक पर मिल जाएंगे। ओके, एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जो कि बिल्कुल फ्री है, एंड पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी हिट कर ले, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे फर्स्ट जो मैंने पिक किया है ना वो ये ब्रेसलेट है, ये आप देख सकते हैं मैंने पहन रखा है, और ये जो है ना बहुत ही सुंदर से वाइट स्टोन के साथ है, आप देख सकते हो पास से कुछ इस तरह से लगती है, सी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एंड इसे ना आप किसी गाउन के साथ पहन लो, कोई भी डार्क कलर की गाउन होती है ना, जैसे ब्लैक ब्लू इस तरह की गाउन होती है, उसके साथ आप पहन लो, बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाली है। मैंने अभी इस ड्रेस के साथ पहना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मैं रोक नहीं पा रही थी खुद को इसे पहनने से, इसलिए मैंने इसे पहन लिया। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक करना। ओके, तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये भी काफ़ी अफोर्डेबल 500 के अंदर में ना ढेर सारी मैंने बैंगल्स लिए, कलरफुल बैंगल्स। मैंने वैसे 15 अगस्त को ना ध्यान में रखते हुए भी लिया था, इसमें कुछ कलरफुल बैंगल्स भी है, बट 15 अगस्त तो चली गई, बट कोई नहीं, राखी भी आने वाली है उस पर भी आप ट्राई कर सकते हो। आप देख सकते हो इस तरह की बास्केट में है ये, एंड इसमें बहुत सारे बैंगल्स है गाइज, आप देख सकते हो, सी ये आप देख सकते हो, इसमें आपको 10 कलर्स मिल जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड ये सारे जो है ना वेलवेट वाले बैंगल्स होते हैं ना, उस पर गोल्डन कलर की ना ग्लिटर्स लगे हुए हैं। एंड यहाँ आप देख सकते हैं ये मल्टी कलर वाली है जिसके बारे में बात करी थी, इसे ना आप किसी भी व्हाइट कलर की सूट के साथ पहन सकते हो, बहुत सुंदर लगेगी। एंड साथ में आप अपने जो ड्रेस है ना उसके साथ मैचिंग करके इस तरह की चूड़ियाँ भी पहन सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। एंड सबसे अच्छी बात है कि ये अगर आप सिंगल लेने जाते हो ना तो आपको 200 या 300 की पड़ेगी, बट ये आपको ना 10 पीस डिफरेंट डिफरेंट कलर में 500 के अंदर में ही मिल जाती है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो इसे भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी है ये। यह है ना, ये एक इयर रिंग है, एंड ये जो है ना ज्वेलरी पर्ल्स की ओर से, ये आप देख सकते हो इस तरह की पैकेजिंग में आई है। एंड इयर रिंग जो है ना ग्रीन कलर में है, मैंने ज्वेल्स गैलेक्सी की ग्रीन कलर इयर रिंग ली थी, झुमका काइंड ऑफ थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। एंड सबसे अच्छी बात थी, एंड सबसे बुरी बात ये थी कि वो मेरे पास सिंगल ग्रीन कलर थे, उसके अलावा मेरे पास कोई भी ग्रीन कलर की इयर रिंग नहीं थी, तो इसलिए मैंने इस बार ग्रीन कलर का इयर रिंग लिया है। एंड ये आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सुंदर है, सी इस तरह से लेयर्स में है। एंड ये जो है ना इसकी नॉट निकल गई है, इसे मैं लगा लूँगी, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इसे आप किसी भी सूट लहंगे किसी के भी साथ वेयर करते हो तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाली है। मुझे ना इसके जो वर्क है बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, चंदन एंड पर्ल के वर्क है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, सी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो इसे मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, पहनकर भी दिखा दूँगी, आप देख लेना किस तरह से लगती है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप ले सकते हो। इसे मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, अगेन एक ज्वेलरी पीस है, एंड ये एक नेकलेस है, ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, ये अगेन ज्वेलरी पर्ल्स की ओर से है। एंड ये नेकलेस तो बहुत दिनों से मेरा मन था लेने का, बट फाइनली मैंने ले लिया है इसे, क्योंकि हमेशा क्या होता है ना आप एक साथ हर चीज़ नहीं ले सकते, तो मैंने लास्ट मंथ में कुछ ज्वेलरीज लिया था वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए थे, तो इसलिए ना कुछ ज्वेलरीज मैंने छोड़ दिया था कि इसे नेक्स्ट मंथ की हॉल में दिखा दूंगी, तो इसीलिए मैंने इस मंथ ये वाली ज्वेलरीज ली है। एंड ये सारे मेरे विशलिस्ट में, आप सोच नहीं सकते कब से थी, लाइक 4-5 मंथ से ये मेरे विशलिस्ट में थी, मैं ले नहीं पाती थी इसे। और ये आप देख सकते हो इस तरह की नेकलेस है, बहुत ज़्यादा सुंदर, ये चोकर नेकलेस है, एंड इसकी लुक बहुत अच्छी आती है, इसे ना आप साड़ी वगैरह पर वेयर करते हैं तो भी बहुत सुंदर लगेगी, वैसे इस ड्रेस के साथ भी बहुत अच्छी जा रही है। तो मैंने जो ये ड्रेस पहना ना, ये मिंत्रा की है, बहुत जल्दी मिंत्रा हॉल आने वाली गाइस, तो मेरे चैनल पे बने रहना, हिलना मत यहाँ से आप लोग। ओके,
कि इसके साथ आपको बहुत ही सुंदर सी इस तरह की इयररिंग मिल जाती है। ये आप देख सकते हो, इस तरह की इयररिंग आपको मिलती है, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। तो इस नेकलेस को भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। प्राइस ज़्यादा नहीं है, 500 के अंडर में मुझे मिल गई है, तो ये नेकलेस मुझे बहुत ज़्यादा वर्थ माइन लगी। तो इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक करना। तो नेक्स्ट जो मैंने ये पहना ना, ये इस तरह की पैकेजिंग में आई थी, पैकेजिंग के बारे में बताया नहीं मैंने। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये कुछ इस तरह से पैक होकर आई है। एंड इसकी रिक्वेस्ट मुझे बहुत टाइम से आ रही थी कि दी आप कोई पासा अच्छी सी अफोर्डेबल शेयर करो, तो मैं पासा नहीं शेयर कर पाती थी, बट फाइनली इस बार मैंने पासा भी लिया है। ये कुछ इस तरह की आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर। सॉरी, मुझे ये ईद के टाइम में शेयर करना चाहिए था, बट उस टाइम मैंने नहीं किया। आप देख सकते हो इस तरह की, ये भी कुंदन एंड कॉल्ड के वर्क में है, एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। इस तरह से आप पहन लो, सी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है गाइस। और मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट इसकी थी, बट फाइनली मैं लेकर आ गई हूँ। तो अगर आपको भी लेना हो ना, तो आप ले सकते हो। ये भी आपको 200-300 के अंदर में मिल जाएगी, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, माई हॉल स्टोर की लिंक मिलेगी आपको। आपको जस्ट एक लिंक पे जाना है, और आपको सारे ही प्रोडक्ट जो भी वीडियो में दिखा रही हूँ ना, सब आपको मिल जाएंगे वहाँ। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना, ये एक नेकलेस सेट है। एंड ये सबसे अच्छी बात है, इस तरह की पैकेजिंग में आई है, पैकेजिंग मुझे काफ़ी पसंद आई। एंड मैं आपको नेकलेस दिखा देती हूँ। इसमें जो है ना, आपको इयररिंग मिल जाएगी इस तरह की, कि आप देख सकते हो, सी इस तरह की इयररिंग मिल जाएगी। बट मैंने इयररिंग को देखकर नहीं लिया, मैंने इस नेकलेस को देखकर लिया है। ये आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सा नेकलेस है, सी इसकी आप डिटेलिंग देख सकते हो, इस तरह से बहुत ज़्यादा सुंदर है। रंग ज्वेलरी है, एंड नीचे आप देख सकते हो इस तरह के लटकन्स मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, हाईली रिकमेंड करूँगी, जिनको भी अच्छी लग रही हो ना, बिल्कुल ले सकते हो आप। सो गाइज, नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये अगेन इयररिंग है, एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर इयररिंग है, अगेन जवेरी पर्ल्स की ओर से है। एंड जवेरी पर्ल्स जो है ना, ज्वेलरी से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रांड लगती है। इसमें ना आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने लास्ट हॉल में दिखाया था ये वाली रिंग, ये भी जवेरी पर्ल्स की है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना। अमेजन ज्वेलरी हॉल बाई ग्लैम भी कुछ अलग करके सर्च भी करोगे ना, तो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा सुंदर है गाइस, इनकी जो कलेक्शन होती है, इनकी क्वालिटी, ओ माय गॉड, प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये इयररिंग आप देखो, कितनी ज़्यादा बड़ी इयररिंग है, ये बिल्कुल एक स्टेटमेंट इयररिंग है, एंड मुझे ये इयररिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे इतनी बड़ी बड़ी इयररिंग्स कैरी नहीं करते हम, लेकिन क्या होता है ना, हमें ट्राई ऑन वगैरह करना होता है, तो उसमें ना कुछ ड्रेसेस के साथ पहन लो तो बहुत ज़्यादा अच्छी लुक आती है, तो इसीलिए ना मैं थोड़ी बड़ी बड़ी इयररिंग्स लेती रहती हूँ। और वैसे आप मुझे घर में देखोगे ना, मैं एक छोटी सी इयररिंग्स भी नहीं पहनती, बट वीडियोस में पहनना होता है, इसीलिए लेते हैं हम लोग, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। और इसलिए लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाए, क्योंकि बहुत सारे घर में फंक्शन होते हैं, शादी होती है, तो उस टाइम कोई अच्छी इयररिंग्स अगर आप ढूंढ रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये आप देख सकते हो, ये इस तरह की इयररिंग है, ये भी एक स्टेटमेंट इयररिंग है, बहुत ज़्यादा सुंदर। एंड ये लाइट वेट है गाइस, ये बिल्कुल भी हेवी नहीं है। इसकी लेंथ आप देखो, अगर मैं यहाँ पहनती हूँ ना, बिल्कुल मेरे नेक तक आ जाती है, बट इसकी वेट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छी वेटलेस इयररिंग है। तो इसे भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, इसे तो आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा सुंदर इयररिंग है ये। तो इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी, सारी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। तो गाइस, नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, अगेन जवेरी पर्ल्स की ओर से ही है। एंड मैं ज्वेलरी पर्ल्स से कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग कर लेती हूँ, जब भी मैं ज्वेलरीज लेने जाती हूँ तो मुझे इनकी ही ज्वेलरीज दिखती है अमेजन पे, सीरियसली बताओ तो। रिंग मिलते हैं, आप देख सकते हो इस तरह से, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है गाइस। एंड ये जो है ना, दो रिंग का सेट है, एंड इसे ना आप दो फिंगर्स में इस तरह से पहन सकते हो, सी आप इस तरह से पहन सकते हो, इस तरह से भी पहन सकते हो, इस तरह से भी पहन सकते हो। मैं साइड में ना आपको पहन कर दिखा दूंगी, तो आप देख लेना, लुक इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक है। रिंग ले लो, एंड आपके दो फिंगर्स का काम हो जाता है, एंड साथ में आपको डबल डबल मिल रही है, मतलब सिंगल पीस तो आपको मिल ही नहीं रहे हैं, मतलब आपके दोनों हैंड्स का काम हो जाता है। तो इसलिए मुझे ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। दिखाने जा रही अगेन एक नेकलेस है, एंड ये बहुत सुंदर नेकलेस है गाइस, ये आप देख सकते हो। इसके साथ ना बहुत ही सुंदर सी क्यूट सी इयररिंग मुझे रिसीव हुई है। वैसे मैंने इयररिंग को देखकर नहीं लिया था, बट रिसीव होने के बाद ना मुझे इयररिंग कुछ ज़्यादा ही क्यूट लग रही है। ये आप देख सकते हो, इस तरह की मिरर कट में है, सिल्वर कलर में,
सिल्वर में है ये, एंड ये बहुत ही सुंदर छोटी सी टिनी मिनी सी लग रही है। एंड इसकी जो नेकलेस है वो आप देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, इसमें भी आपको मिरर कट डिज़ाइन मिल जाएंगे। एंड इसे आप इस तरह से पहन लो, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। आप देख सकते हो, सी आप पास से देख सकते हो, इसकी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं तो इसे इस तरह से पहनना मुझे ज्वेलरीज के साथ में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। ये नेकलेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको भी अच्छी लग रही हो ना तो बिना टाइम लगाए जाकर ले लो अमेज़न से, क्योंकि अमेज़न पे भी मैं देख रही हूँ ज्वेलरीज बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये एक ईयरिंग है, ये मैंने मीशो से भी लिया था, बट मीशो पे भी प्राइस वैसी ही थी तो मैंने रिटर्न कर दिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लगी थी। बट ये इसकी प्राइस कम होने का नाम नहीं ले रहा, थोड़े से ना अफोर्डेबल रेंज में मुझे अमेज़न पे ही मिली तो मैंने अमेज़न से ले लिया। ये आप देख सकते हो इस तरह से, बहुत ज़्यादा सुंदर है गाइस, बहुत प्रिटी है। एंड ये ईयरिंग तो मुझे पता है सारी लड़कियों को पसंद आती है, पसंद होगी ये ईयरिंग, इसलिए मैंने इसे लिया है। एंड अगर आपको लेना हो ना तो आप अमेज़न से ज़रूर लेना, ये बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट ईयरिंग है। एंड इसमें जो है ना आपको पर्ल का भी काम मिलेगा, स्टोन एंड कुंदन के भी काम एंड कुंदन के भी वर्क मिल जाएंगे। मुझे इसीलिए ईयरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें हर चीज़ आपको मिल जाती है। ये सारी ज्वेलरीज थी। अब जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये ना स्किन केयर से रिलेटेड है। मैंने मिनीशो का ना फेस सेवर लिया है इस तरह से, इसकी प्राइस 150 रुपीज़ है। बट ये ना सिंगल आप नहीं ले सकते, जब भी आप ऐड टू कार्ट करते हो ना तो आपके कार्ट में ना डबल प्रोडक्ट ऐड हो जाते हैं, तो मैंने ये दोनों लिया है। एंड इसमें से एक जो है ना मैंने निकाला है, मैंने अपनी थोड़ी सी आईब्रो शेप की भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। एंड मैं ज़्यादा बड़ी हो जाती ना फिर मैं पार्लर जाती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इसलिए मैं खुद से कुछ कर लेती हूँ इसमें ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसे लिया है। थोड़ी सी फेस सेविंग वगैरह कर लो इससे, बहुत ही अच्छी, बिल्कुल भी कटने के चांसेस नहीं है। इसके ब्रिशल्स मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे हैं, स्पेशली आईब्रोज के लिए ये काफ़ी अच्छी है। ये आप देख सकते हो इस तरह के कवर है। एंड ये आप देखो सी, बहुत ही स्मूथ एंड छोटी सी है ये, स्पेशली ना आईब्रोज के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही ईजिली आईब्रो निकल जाती है इसे। मैंने पहले भी ना आईब्रो सेवर लिया था, लेकिन वो ना मैं यहाँ के हेयर्स नहीं निकाल पाती थी उनसे, बट इससे मैं ईजिली निकाल लेती हूँ। एंड ये मेरी एक फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया था एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सीरियसली। तो ये थी लास्ट प्रोडक्ट इस हॉल की, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर देना। एंड कुछ भी पूछना हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ मैं अवेलेबल होती हूँ, वहाँ मैं आपके सारे मैसेजेस का रिप्लाई कर दूँगी। ओके, तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट हॉल वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग।